हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, दिस इज़ विनय पांडे हियर अगेन. इन द टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री मेजरमेंट एंड रेडियन मेजरमेंट. इन द लास्ट वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट द डिफिनीशन ऑफ एन एंगल एंड हाउ कैन वी मेजर एन एंगल यूजिंग सेक्सागेसिमल और इंग्लिश सिस्टम एंड सर्कुलर सिस्टम. हेक्सागेसिमल सिस्टम किस पे बेस्ड होता है? डिग्री मेजरमेंट पे. और जो सर्कुलर सिस्टम था वो रेडियन मेजरमेंट पे बेस्ड था. आज क्योंकि दोनों का जो डेफिनेशन थी, डिग्री कैसे डिफाइन थी और रेडियन कैसे डिफाइन था, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया. आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के पुराने वीडियो से उसको देख सकते हैं. आज जो मेन फोकस हमारा रहेगा वो रहेगा रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजरमेंट. मैं आपको बताऊंगा, हालांकि आपने अगर बुक में देखा हो या आपने चैप्टर पढ़ लिया हो तो आपको पता होगा कि डिग्री और पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है. कैसे होता है, क्यों होता है, वो आज मैं आपको एक्सप्लेन करके इसमें वीडियो में बताने जा रहा हूं. तो अगर डिग्री रेडियन की बात करें, रेडियन मैंने आपको बताया था कि आई टुक अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस. यूनिट रेडियस और यूनिट आर्क लेंथ से जो एंगल बन रहा था सेंटर पे, उसको मैंने वन रेडियन बोला था. क्वेश्चन ये उठता है कि वन रेडियस ही हमने क्यों ली. वन रेडियस के अलावा आप टू रेडियस भी ले सकते हैं. जब आप टू रेडियस लेंगे तो आर्क लेंथ भी आपको टू लेनी पड़ेगी. थ्री रेडियस लेंगे तो आर्क लेंथ भी आपको थ्री लेनी पड़ेगी. तो आई एम टेकिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस आर. इस आर रेडियस से आर लेंथ, अब आपको यहां आर्क लेंथ भी आर लेनी पड़ेगी. सपोज ये लेंथ क्या है, आर है यहां से यहां तक. तो आर लेंथ पे जो पॉइंट पी है, इससे जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज वन रेडियन. उतनी ही आर्क लेंथ और उतनी ही रेडियस से जो सेंटर पे एंगल बनता है उसको हमने वन रेडियन बोला था. और डिग्री कैसे डिफाइन किया था तो बताइए आपको. ये पॉइंट मैंने ले लिया बी. अगर हम बात करें, इसको ए ले लेते हैं. इस ए पी, ये आर्क ए पी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? वन रेडियन. और आर्क ए पी बी ये किसके प्रोपोर्शनल है? एंगल ए ओ बी के. या सीधा सीधा कहने का मतलब यह है कि आर्क ए पी से, आर्क ए पी से जो एंगल बन रहा है वो वन रेडियन है. और आर्क ए बी से, इस ए बी आर्क से कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल ए ओ बी तो बन रहा है. लेट वी टेक द रेशियो ऑफ दीज टू टर्म्स. इन दोनों टर्म्स का हम रेशियो लेते हैं और देखते हैं रेशियो लेकर के हमको क्या कुछ कंडीशंस मिलती हैं या नहीं मिलती है. एंगल, सॉरी, आर्क ए पी और आर्क ए पी बी. आर्क ए पी से एंगल कौन सा बन रहा है? एंगल ए ओ पी. और इस ए पी बी से कौन सा एंगल बन रहा है? सेंटर पे एंगल ए ओ बी. ये तो क्लियर है. आर्क ए पी की अगर हम बात करें तो ये आर्क कितनी लेंथ की है? आर, ये लिखा हुआ है साफ साफ. ये सेमी सर्कल है. टोटल लेंथ क्या होती है इसकी? सर्कमफेरेंस 2 पाई आर. रेडियस भी आर है 2 पाई आर. और इसका हाफ कितना हो जाएगा? 2 पाई. तो यहां से ए पी बी की लेंथ कितनी हो गई? 2 पाई आर का हाफ हो जाएगा पाई आर. ये क्लियर है. अब आते हैं एंगल ए ओ पी में. एंगल ए ओ पी कितने वन रेडियन का है? एंगल ए ओ बी, आप याद करिए डिग्री कैसे डिफाइन करी थी मैंने, वन डिग्री कैसे डिफाइन किया था. वन डिग्री था सर्कल के 360 छोटे छोटे पार्ट्स किए थे, उसमें जो एक अमाउंट ऑफ रोटेशन, एक पार्ट जो था वो वन डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा था. तो ये कितने डिग्री था? 90 डिग्री. ये कितने डिग्री था? 90 डिग्री. तो ये टोटल मिला करके कितना हो गया? ऑब्वियसली 180 डिग्री. तो ये एंगल ए ओ बी कितने डिग्री का हो गया? 180 डिग्री. आर से आर कैंसिल हो गया. तो इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये पाई हो जाएगा. यहाँ पे पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या हो गया? 180 डिग्री. ये रिलेशन आई होप आपने पढ़ा भी होगा, बुक्स में देखा होगा कि पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है.
पाई रेडियन, यानी कि अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है या रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, वो दो दो फॉर्मूले आपको बुक में मिलेंगे, उनको याद नहीं करना है, सिर्फ इस रिलेशन को याद करना है आपको कि पाई रेडियन इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री क्यों होता है। मैंने आपको कन्वर्जन करके पूरा दिखा दिया है इस फॉर्मूले से, डेरिवेशन से। अब मुझे अगर 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, इन सबको रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है, ऐसे ही 30 डिग्री, इन सबको रेडियन में कन्वर्ट करके मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, डिग्री, डिग्री के बाद डिग्री से भी छोटी यूनिट होती है मिनट्स, फिर सेकंड्स। जब कन्वर्ट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि डिग्री से उससे छोटी यूनिट अगर आपको कन्वर्ट करनी है तो कैसे करनी है। फिलहाल इन पे फोकस करते हैं कि 60 डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं इसको, 60 डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री था। आपको कन्वर्जन कहाँ से कहाँ करना है, डिग्री से रेडियन में करना है, इन सबको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं पहले। 1 डिग्री कितना हो जाएगा, ये 180 अपॉन में आ जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो कितने डिग्री की वैल्यू निकालनी है, 60। तो 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यूनिटरी मेथड, 60 इंटू पाई अपॉन 180 पाई बाय 3 रेडियन। तो इसका मतलब अब जहाँ जहाँ पर आपको 60 डिग्री मिलेगा तो उसको आप पाई बाय 3 रेडियन भी बोल सकते हो, या पाई बाय 3 रेडियन होगा तो इट मीन्स वो क्या होगा, 60 डिग्री होगा। अब आते हैं 45 डिग्री में, चेंजेस आपको यहीं से करना है। 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 इंटू पाई अपॉन 180, ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ गया, पाई बाय 4। 45 डिग्री का मतलब कितना हो गया, पाई बाय 4 रेडियन। ऐसे 90 डिग्री का मतलब हो जाएगा पाई बाय 2 रेडियन, इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। और 30 डिग्री का मतलब हो जाएगा पाई बाय 6 रेडियन। तो ये डिग्री कन्वर्जन, जो डिग्री से रेडियन कन्वर्जन था मैंने आपको बताया, आप रेडियन से डिग्री कन्वर्जन भी कर सकते हैं। फॉर्मूला आपको यही लगाना है, वो दो दो फॉर्मूले आपको याद नहीं करने हैं जो आपने बुक में देखे हुए हैं। अब जैसे कुछ रेडियन से डिग्री कन्वर्जन में आपको बता रहा हूँ, 2 पाई अपॉन 15 रेडियन है सपोज, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो फिर वही फॉर्मूला, पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। अब आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से 1 रेडियन की वैल्यू निकाली, आप 1 रेडियन कितना हो जाएगा, 180 अपॉन पाई डिग्री, पाई अपॉन में चला जाएगा। कितने रेडियन की वैल्यू निकालनी है, 2 पाई अपॉन 15, तो 2 पाई अपॉन 15 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 24 डिग्री। तो इस तरीके से आप रेडियन से डिग्री कन्वर्जन भी कर सकते हैं। जैसे एक और, अगर हम 3 पाई बाय 2 है सपोज, 3 पाई बाय 2 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो फिर से उसी तरीके से पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। तो 3 पाई बाय 2 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 पाई बाय 2 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल 90, तो कितना आ जाएगा, 270 डिग्री। यानी कि 3 पाई बाय 2 रेडियन को हम क्या बोलते हैं, 270 डिग्री। डिग्री के बाद मिनट्स और सेकंड कन्वर्जन अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। इस टाइप के जितने क्वेश्चंस हैं, आप आपकी जो जो बुक्स आपके पास अवेलेबल हैं उन सारी बुक्स से आप इन कन्वर्जन को करें और जो बेसिक कंसेप्ट है उसको फोकस करें कि डिग्री मेजरमेंट एक्चुअल में था क्या, रेडियन मेजरमेंट एक्चुअल में क्या था, इनके बीच में रिलेशन हमने कैसे डिफाइन किया, इनको आप देखें और समझें।